नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर हरजिंदर सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा थोटा ने निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों की समीक्षा कर ली। बैठक समीक्षा बैठक को लेकर जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करने के लिए दिया आवश्यक निर्देश। इस दौरान कलेक्टर एवं एसपी ने अनुभागवार विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति के बारे में समीक्षा की। वहीं इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर एसपी ने कानून व्यवस्था का मजबूती से पालन करने के निर्देश दिए एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर हरजिंदर सिंह ने बताया कि निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आदर्श आचार संहिता के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें तथा आचार संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी निरपेक्ष एवं स्वतंत्र होकर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसके लिए अधिकारियों को संवेदनशील बना रहे जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों के अलावा राजनीतिक दलों के साथ प्रेस वार्ता इस सिलसिले में की गई है। वहीं इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर पुलिस अधीक्षक एसडीएम तहसीलदार एसजीओपी एवं पत्रकार उपस्थित रहे। पता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जैसे ही चुनाव की घोषणा की गई मध्य प्रदेश में, वैसे ही पूरे स्टेट में और जिले में जो है वो आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो आदर्श आचार संहिता में जो भी भारत निर्वाचन के निर्देश हैं उसके बारे में हम अपने अधिकारियों को सेंसिटाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग राजनीतिक दलों के अलावा जो हमारे प्रेस के साथी हैं उनके साथ भी हमने एक प्रेस वार्ता कल की है। तो उसी सिलसिले में हम लोग जो है वो फील्ड में जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे जो भी ज़मीनी स्थिति है और जो तैयारियाँ हैं उसकी समीक्षा करने के लिए मैं और एसपी साहब आए हैं।